हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है कि जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू किसके होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे, मतलब देखो जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, ठीक है। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल, तो चेंज कैसे? फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये क्या होती है आपके पास? वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। मतलब कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? अब इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? u से ये मूव कर रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? u है। जैसे हमने जब काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ किया था तो वहाँ u ज़ीरो लिया था, इनिशियली वो रेस्ट पे था, यहाँ इनिशियली रेस्ट पे नहीं है, किसी वेलोसिटी u से ये मूव कर रहा है इधर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पर फोर्स f अप्लाई की, ठीक है, और कुछ दूरी पे यानी कि कुछ टाइम के बाद जब हमने देखा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई और इसकी जो वेलोसिटी है वो v हमने यहाँ पर देखी, यानी कि पहले u थी इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने फोर्स अप्लाई की तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद हमने वेलोसिटी देखी कितनी है, वो है v। तो ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी और ये क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? क्लियर, यही सब लिख रखा है कि सपोज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, मास m है इसका मान लीजिए ये, ठीक है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a, ऑब्वियस ही बात है, एंड आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस एस द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी, तो यू से वी चेंज हो गई वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? अब बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था, वैसे ही इसका करना है। देखो अपने आप आएगा ये आंसर, समझ रहे हो? तो वहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था वो, जल्दी से बताओ, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, और अगर वहाँ पर याद हो आपको कि जब हमने एक्सप्रेशन किया था काइनेटिक एनर्जी का तो यू जीरो ले लिया था, तब हमने ए निकाला था, यहाँ यू जीरो नहीं लेना बिकॉज इनिशियल क्या है, यू है और फाइनल वी है इसमें वेलोसिटी, क्लियर है। तो इसमें जब हम ए निकाल लेंगे तो देखो क्या होगा, वी स्क्वेयर माइनस में यू स्क्वेयर, ए यहीं रहने दिया और ये टू एस क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। बताओ समझ में आया, ये ए आ गया। अब हमें पता है वर्क के लिए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और ये साथ में है डिस्प्लेसमेंट। तो मास और एक्सेलरेशन ये हमें ऊपर से पता है क्या है, वी स्क्वेयर माइनस में यू स्क्वेयर अपॉन में ये 2s और यहाँ से ये s भी है साथ में, तो ये s से ये s कट जाएगा, समझ रहे हो? क्या बचा यहाँ पर, देखो यहाँ बचा m वी स्क्वेयर माइनस में यू स्क्वेयर अपॉन में 2, इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। देखो m v स्क्वेयर और ये 2 तो इसके साथ भी आएगा ही, ठीक है ना, तो ये 2 इसके साथ भी आएगा, माइनस में m इसके साथ करेंगे यू स्क्वेयर बाय 2। देखो कईयों को अगर इसमें दिक्कत है ना, ये ऐसे कर लिया करो, देखो वी स्क्वेयर के नीचे भी 2 है, अगर ये ऐसे पूरे के नीचे 2 है तो यानी कि वी स्क्वेयर के नीचे भी 2 है और यू स्क्वेयर के नीचे भी 2 है, ऐसे कर लिया करो, तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, क्लियर है। तो ये वर्क आ गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी तो आई है, ये हाफ एम वी स्क्वेयर, ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/2 ऐसे आगे कर दिया और ये 1/2 यहाँ लिख दिया ये, तो ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन इसमें देखो जरा आप ध्यान दो, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो यानी कि ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं बताओ? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यही तो था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती थी वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और ये देख लो आपके सामने आया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बताओ समझ में आया या नहीं? तो यहाँ पर एक चीज़ मेन जो सोचने की है वो क्या है, कि ये जो चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी में ये क्या है, एक तरह का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो यू वेलोसिटी थी, उसके बाद फोर्स अप्लाई की, कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई की है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अप्लाई की, तो ये वेलोसिटी बढ़ेगी, तो v यहाँ पर ये क्या है, u से ज़्यादा है, यहाँ पर v क्या है, ये वाला u से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी किससे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, एक तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हम यहाँ बोल सकते हैं क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है,
क्लियर रहती है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर देखो जब यहाँ एक तरह से क्या हुआ है, फोर्स हमने जब अप्लाई की एक्स्ट्रा तो वर्क इंक्रीज हुआ ना, तो वर्क इंक्रीज हुआ तो मतलब क्या है, इंक्रीज हुई है काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वर्क इंक्रीज होना या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी तो क्या है, वर्क ही है, ये चीज़ हमने पढ़ा है या नहीं, तो वर्क क्या है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यहाँ से बताती है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब ये डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, अगर यहाँ पर हम फोर्स इस डायरेक्शन में ना अप्लाई करके इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई कर देते तो ऑब्वियस ही बात है ये वी क्या हो जाता उस केस में, कम हो जाता, समझ पा रहे हो बात को। जैसे मान लीजिए कार मूव कर रही है, जब आपने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई का मतलब क्या होता है, अपोजिट में एक फोर्स दिया आपने ब्रेक की, ठीक है, तो मोशन उसका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो यानी कि वी उस केस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और यू ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियस ही बात है मूव पहले ज़्यादा वेलोसिटी से हो रही है जो इनिशियल है उसकी, और फाइनल क्या हो गई है उसकी, थोड़ी जब ब्रेक लगानी शुरू की है तो फाइनल उसकी थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि आपने फोर्स जो दिया है वो अपोजिट में दिया है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो इसमें यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, और इनिशियल वाली क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये वैल्यू ज़्यादा है ये कम है, जैसे मान लो एग्जांपल लो ये 4 है ये 2 है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, तो यानी कि ये क्या आ रहा है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, तो ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। बताओ ये चीज़ समझ में आई, प्रूफ समझ में आया कि क्या है। अब इसी चीज़ को हम किससे कर सकते हैं, कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन किया था कैलकुलस से, वैसे ही ये भी करना है। तो देखो वहाँ जो एक्सप्रेशन किया और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन कर रहे हैं वो क्या है, क्या अंतर है इसमें, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इसमें, सिर्फ यहाँ पर यू को इनिशियल वेलोसिटी को हमने जीरो नहीं लेना है, और काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन किया था वहाँ यू को जीरो ले रहे थे, तो यही है बस कहानी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी ना, तो कईयों के मन में आता है सर वर्क तो अभी हमने पहले पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होता, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कैसे है, तो देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कुछ माइनस करके आ रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी ना है, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये एक रिलेशन बता रहे थे कि मान लीजिए पहले से ही इसमें क्या हो रहा है, एक वर्क हो रहा है, ठीक है, और आपने एक इनिशियल वेलोसिटी पहले यू है मान लीजिए, उसके बाद एक एक्स्ट्रा फोर्स और दे दिया आपने, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना, कोई चीज़ पहले से मूव करती आ रही है उस पर और फोर्स दे दी तो वो बढ़ेगी, तो यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई, अब वी हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये अब यहाँ पर क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पहले कुछ थी अब कुछ है काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क क्या हुआ है अब यहाँ पर, कितना वर्क हुआ है, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो कैलकुलस मेथड की बात करते हैं हम यहाँ पर, देखो इसमें क्या है, वही कहानी है कि डीडब्ल्यू ले लिया हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन डूइंग द डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क ही लगेगा, क्लियर है। तो इसके लिए देखो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क है डीडब्ल्यू हमारा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें हमारे पास डीएक्स है, ठीक है। फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, वो वैल्यू रख दी यहाँ पर, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है, यानी कि स्मॉल वेलोसिटी स्मॉल टाइम के लिए हमने किया, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट स्मॉल लिया है, ठीक है, इस वजह से स्मॉल ही वेलोसिटी और स्मॉल ही टाइम लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कि ए क्या है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज है हो रही है, ठीक है। और dx by dt को जैसे वहाँ किया था हमने, तो यहाँ भी वही करना है, dx by dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ, और ये dv as it is, बिकॉज dx by dt is the v कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल टाइम की बात हो रही है, ठीक है, ये सब बातें तो आपको पता है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या चेंज आएगा, जो हमने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में किया था और यहाँ क्या किया था, वहाँ हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दी थी, ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ लिमिट लेके करनी पड़ेगी, देखो कैसे, यहाँ पर अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो डी डब्ल्यू ये चलेगा जीरो से डब्ल्यू, और यहाँ ये एम वी डी वी, यहाँ पर ये चलेगी इंटीग्रेशन, वी जो है हमारा चेंज हो रहा है यू से वी हो रहा है, ठीक है ना, यही है यू से वी हो रहा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन आपको बताई थी क्या होती है, डब्ल्यू, और ये लिमिट लग जाएगी ये जीरो, ये डब्ल्यू, अब यहाँ m है हमारा कांस्टेंट, और ये वी डी वी, और ये u, और ये v इंटीग्रेशन, m एज इट इज़ v की इंटीग्रेशन आपको बताई थी वी स्क्वायर बाय टू, पता है ना कैसे, v की पावर वन है तो एक पावर ऐड होती है और ये चीज़ नीचे आती है, तो क्या आ गया वी स्क्वायर बाय टू आ गया, ये क्लियर है बात या नहीं बताओ, ठीक है। ये मैंने एक्सप्रेशन जब काइनेटिक एनर्जी का कराया था पहले तो उसमें भी अच्छे से समझाई है इंटीग्रेशन, ठीक है, और जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो मैथमेटिकल टूल्स में आप देख सकते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह मैंने सब समझाया हुआ है वहाँ पर, क्लियर। तो ये m आ गया, ये v स्क्वायर बाई टू आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिमिट है इसकी, ये क्या रहेगी u से v, अब देखो ये क्या होता है, अपर लिमिट पुट करो w में, w तो w आएगा, और ये जीरो करेंगे लोअर लिमिट तो माइनस, ऐसा होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट इसमें पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास w, ये m, अब यहाँ भी ऐसे करेंगे v में v पुट करो, तो v स्क्वायर में ये v पुट किया अपर लिमिट,
फिर माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट पुट करो वी में, इस वी में, तो यू पुट किया तो यू स्क्वेयर आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो एम वी स्क्वेयर बाय टू एंड माइनस में एम अंदर चला गया, यू स्क्वेयर एम यू स्क्वेयर बाय टू आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो वही आ रहा है। ये क्या है हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यही क्या होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ समझ में आया या नहीं बताओ। तो यही तो प्रूफ करना था या नहीं करना था, यही कर दिया हमने प्रूफ। तो ये कैलकुलस से भी कर दिया, कैलकुलस मेथड क्या होता है इंटीग्रेशन वाला मेथड, इससे भी हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, और यहाँ ये सिंपल एलजेब्रिक से भी हमने ये प्रूफ कर दिया था। क्लियर है बताओ? ठीक है, तो ये दोनों मेथड आप कर लेना क्योंकि एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आने चाहिए, दोनों ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे ना लिख के तो अपने आप आ जाएंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।